Hey guys, click on the subscribe button to subscribe to our channel and also click on the bell icon for all the notifications from the Travel with Simurana. गजगोविंद जी, आपने यहाँ पे सच्चे कि यहाँ पे भूत भूत होते हैं, आपने कुछ देखा नहीं, इसके बाद? नहीं नहीं कुछ नहीं है। ऐसे किस बिहार में सब झूठ है, नहीं लोगों को भड़काने का जरिया है। मेरे को बहुत दिन हो गए यहाँ पर रहते रहते, कहीं भी चलेगा। तो कोई रात में रहते हो आप? हाँ रात में। कुछ दिखता है आपको ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब अफवाहें हैं। सब तो ये संजीवन कितनी दूरी पे फैला हुआ है? ये बहुत है, कम से कम 800 एकड़ में फैला है। हाँ, बहुत लंबा है आपको घूमने में, बहुत टाइम लगेगा अगर घूमना है यहाँ पे प्रॉपरली, तो 2-3 दिन कम से कम तो लग ही जाएंगे। ये अभी हम एक सुरंग है, ये भूल है जिसके नीचे से पानी आता है, यहाँ पे खड़े हैं। ये जो जंगल है, जो वन है, इसके बीच में ये पड़ता है। और अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, कहते हैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, शाम तक यहाँ की एंट्री बंद हो जाती है। अक्सर सुनने में आया है कि यहाँ पे भूत ऊत कसाया भी दिखता है रात में, सो लोग कहते हैं कि रात की एंट्री बंद है यहाँ पे। सो अब यहाँ से हम, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे बिल्कुल लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन हो। अगर आपने काल मूवी देखी है, ऐसा लग रहा है काल मूवी रियलिटी में आ गई। बहुत सारी स्टोरीज है इस संजयवन के जंगल के साथ रिलेटेड, जैसे गोस्ट साइटिंग्स, भूत, रात को किसी औरत का चलना है यहाँ पे, ऐसे कई सारी स्टोरीज है इस जंगल को रिलेटेड। आपको यहाँ पे कई सारे हिरन दिखेंगे, बंदर दिखेंगे, और इसी हिसाब से कहीं भी कभी सुनाई देता है कि यहाँ पे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं कभी कभी। ये हमारे हर्ष साहब है और ये बहुत गुम है इस जंगल में, ये सुबह वॉक करने आते हैं यहाँ पे, और इसने भी ऐसी कई सारी स्टोरी सुनी है। तो बताइए हर्ष साहब, आपने ऐसी क्या क्या स्टोरी सुनी है जंगल के बारे में? हम जैसे शाम को कई काफ़ी टाइम मैं आता हूँ वॉक करने आता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे लोगों को डर लगता है, काफ़ी सारी लोग फेस नहीं कर पाते। मतलब अफवाहें चलते हैं कि इसमें कोई सच्चाई भी है? नहीं, एक्चुअली कुछ अभी तक ऐसा दिखाने, रियलिटी में दिखाने, मतलब सुनाई देता है, अपनी अपनी कहानी सब बोलते हैं। हाँ कहानी है बस। ओके, ये संजय वन है मेहरौली के सामने, एक बड़ा सा जंगल तो जहाँ पे खूब सारे बंदर होते हैं। संजय वन का कोर एरिया, कोर एरिया मतलब बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी खूबसूरती है जंगल के अंदर, और यहीं से वो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है भूतों की, कि यहाँ पे घोस्ट साइटिंग्स है, वैसी वैसी आत्माएं, डाइन, चुड़ैल, जो भी बहस है, यहीं पे वो कहते हैं कि यहाँ इसी एरिया में देखा है। बहुत ही ज्यादा घना जंगल है ये। हाँ, यहाँ से तो बहुत ही घना है, वैसे ये पाथ चलने के लिए यहाँ से नॉर्मल है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग है पूरी सुनसान सी, आप देख सकते हैं ये पूरे जंगल के बीचों बीच ये बिल्डिंग खड़ी है, जो ऐसे ही छोड़ दी गई है। पता नहीं इस बिल्डिंग में क्या है, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। बड़ी वीरानी सी बिल्डिंग है, बड़ी सुनसान बिल्डिंग है, दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही है ये, बहुत ही डरावनी सी बिल्डिंग है। और यहाँ पे कुआं भी है, लाइक आई सेड, जस्ट लाइक काल मूवी, जंगल के बीचों बीच ये जगह है। और एक कुआं है यहाँ पे, चलिए पहले कुएं के पास जाते हैं। ओह माय गॉड, देखिए इस कुएं के बीच में काला पानी है, जरा देख के आगे चलना, कहीं जाए ना यहाँ पे। तभी जैसे आप देख सकते हो, पूरा काला पानी है इसमें, और ये बहुत ही डीप है, और ये जंगल के बीचों बीच में है संजय वन के। हमें बिना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस जंगल में हमें ये मिलेगा, ये कुआं। Final gates to open.
जंगल के बीचे बीच जो ये स्ट्रक्चर है, अबेडन स्ट्रक्चर यहाँ पे संजय वन में, हम इसके अंदर जाते हैं देखते। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पे कई सारे लोग आए। ओ माय गॉड, बहुत डरावना है वे, सीरियसली। ओ माय गॉड, वे लाइट ऑन करना है यहाँ पे, तभी जंगल की बहुत सारी स्टोरी दिखती है। देखिए बहुत ही डरावना है ये, बहुत ही डरावना। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत ही अंधेरा है, बहुत ही अंधेरा और घना अंधेरा है अंदर। ये संजय वन की अबेंडन बिल्डिंग, ये लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भूत 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 है, पर मुझे श्योर है यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे हैंगर्स है कुछ लटकाने के लिए। आप देखिए देखिए यहाँ पे हैंगर्स हैं जहाँ पे कुछ लटका सकते हैं। थोड़ा कैमरा पास लाइए सर, आप देखिए और कितना प्यारा है। यहाँ पे हैंगर्स है, पता नहीं किस काम आते थे, और बहुत सारी ये, ऐसा लगता है इस एरिया में कोई घुसा नहीं है बहुत टाइम से। ओह फक, ये बहुत ही डरावनी जगह है। ये पुराने टाइम में ये यहाँ पे दिए जलाने के काम आते थे। हाँ। ये हल्के हल्के यहाँ पे जो इन्होंने जगह रखी हुई है बनाने की। हाँ। देखिए यहाँ पे ऊपर लटकाने के लिए भी कुछ है। हाँ। ये कोई हॉरर मूवी से कोई सीन लगता है, कोई सीन बाहर आया हुआ है देखिए। और यहाँ पे लाइट आने के लिए कोई जगह भी नहीं, ऐसा लगता है जैसे खुद ही किसी ने तोड़ दिया हो, ऐसा कुछ बना नहीं है, खुद ही बनाया गया हो। सो ये बहुत ही डरावनी जगह है। हाँ, इससे अच्छा है कि हम बाहर ही निकले। सारा मुझे सही में डर लगा अंदर तो डरावना है तो ये। चलो अब आप यहाँ से निकले। ये चौकीदार हट भी है, यहाँ पे चौकीदार बैठता है पूरे दिन, और शाम के टाइम होते ही यहाँ से गायब हो जाते हैं चौकीदार जी। यहाँ का तो मौसम भी भयानक हो रहा है, और शाम का अंधेरा जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ का रंग भी बदल रहा है। आप देख सकते हैं रंग में लाल, काफी अंधेरा होने जा रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफी डरावना सा कलर हो रहा है इस माहौल का, आप देख सकते हैं काल और काला और लाल रंग का मिक्सचर जंगल और आसमान के बीच में दिख रहा है। आगे बढ़ना चाहिए। अब हम धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप ये आवाज सुन सकते हैं, आपको ये आवाज अगर आ रही हो, दूर जंगल में कोई पता नहीं चलता कि कुत्ता आ रहा है या लोमड़ी आ रही है। एक बार बताओ, यहाँ पे सही में डर लग रहा है अभी, ये डरावनी प्लेस बन रही है। यहाँ पर हमारे पैरों के चलने की आवाज भी इतनी गूंज रही है कि हमें बहुत ही डर महसूस हो रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी चल लो, ठीक है ना।